Hey guys, welcome back to my channel once again. Friends, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उत्तराखंड में, उसका रेशियो क्या है और साल दर साल ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसको किस तरह से सॉल्व आउट किया जा सकता है और सरकारों ने इसको सॉल्व आउट करने का निर्णय क्यों नहीं लिया, उसके बारे में हम डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप हमारे साथ तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है उत्तराखंड में जो रेशियो है इसका डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो एक लिस्ट जो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में ये नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। फिलहाल ये डेटा हो सकता है ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो, लेकिन आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये जो टॉप की डेटाज हैं सिटीज वाइज वो हमारे पास अभी अवेलेबल हुए हैं, जिनके आधार पर हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाले 10 जो स्टेट हैं उसकी लिस्ट निकली हुई थी, जिसमें आपको गर्व होना चाहिए कि आप उत्तराखंडी हैं, क्योंकि आपके राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट की दर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 22.3। सोचिए, इतना छोटा स्टेट होने के बावजूद इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की दर यहां पर सबसे ज्यादा है। उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे और क्यों राजनीतिक दलों ने इसके पीछे ध्यान नहीं दिया उसके भी बारे में आपके साथ डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं भारत के टॉप 10 जो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट है उसमें सबसे टॉप पे उत्तराखंड है, उसके बाद और स्टेट आते हैं जहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा उसके बाद है, उसके बाद और भी स्टेट हैं जिनके बारे में हम छोड़ो उसको बैक साइड कर देते हैं, लेकिन हम अपने स्टेट की बात करेंगे तो 22.3% जो है अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट है उस दर से उत्तराखंड सबसे टॉप में आता है। तो फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तराखंड हैज इंक्रीज्ड मोर देन 6 times इन लास्ट 5 years अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, यानी कि जो CMI की रिपोर्ट आई थी और उसके डेटा के अनुसार फिस्कल ईयर 2016-17 द एम्प्लॉयमेंट रेट इन द स्टेट स्टूड 1.61% विच इज शॉट टू 10.19% इन फिस्कल 2021। तो मतलब एक ये सबसे डरावनी वाली जो बात है वो ये है हमारे लिए, क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो डे बाय डे अब बढ़ता ही जा रहा है और फिस्कल ईयर में एक कैलकुलेशन होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि 2016-17 का जो फिस्कल ईयर था वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की दर 1.61% थी अकॉर्डिंग टू जो डेटा रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो एक बहुत ही रेपुटेड संस्था है जो इस बारे में लगातार काम करते रहते डेटा के एनालिसिस करके, उसने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके अनुसार 2021 का जो फिस्कल ईयर है उसमें आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट दर जस्ट आप देख सकते हैं 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से आपने देखा होगा टॉप में 22.3% जो है अनएम्प्लॉयमेंट की दर है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अनुसार जो CMI ने जारी किया है मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन उत्तराखंड, तो आप देख सकते हैं डे मंथ वाइज भी ये काफ़ी इंक्रीज कर रहा है। और उसके अलावा एक और जो ताज़ा रिपोर्ट आई है कल या 2-3 दिन पहले आई, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे कितने ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट उत्तराखंड में है और उसके अलावा भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि क्यों ये अनएम्प्लॉयमेंट उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा यूथ भी रिस्पॉन्सिबल है। सुनने में तो बहुत ख़राब लग रहा होगा क्योंकि आप यूथ हैं, तो भाई साहब मैं भी 80 साल का नहीं हूँ, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उसका कारण ये है क्योंकि जब हमारे पास हमारे ताकत होती है, यानी कि जब हम हमारा टाइम होता है कि हम आने वाली सरकारों को ये नसीहत दे सकें कि अगर आपने यूथ का अगर सही से उपयोग नहीं किया, उनके जो भावनाएं हैं और उनके भविष्य के साथ अगर आप इस तरह से खिलवाड़ करेंगे तो बिल्कुल ऐसा होगा। तो जब हमारे पास मौका होता है तब हम चूक जाते हैं और जब हमारे को उठने
के लिए ताकत चाहिए होती है, क्षमताएं चाहिए होती हैं, तब हम उसका इस्तेमाल सही से नहीं करते। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की भर्ती को लेकर, पीआरटी की भर्ती को लेकर, जितनी भी यहाँ पर भर्तियाँ आती हैं, एक तो और उत्तराखंड कांस्टेबल की भर्तियों को लेकर, पुलिस की भर्तियों को लेकर, तो ये सब जब यहाँ पर आती हैं, भर्तियाँ आती हैं, रुक रुक के आती हैं। सोचिए 6 साल से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई है, तो सोचिए युवाओं में किस तरह का रोष होगा। लेकिन वो रोष केवल सोशल मीडिया में दिखता है, केवल दूसरों के वीडियोस के कमेंट में दिखता है, धरातल पर नहीं दिखता है। जिस तरह से उत्तराखंड में भर्तियां पेपरों में आती हैं, अखबारों में आती हैं और धरातल पर नहीं आती हैं, उसी तरह से उत्तराखंड के यूथ का जो जोश है केवल सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, दूसरे के वीडियोस के कमेंट करने तक ही रहता है, धरातल पे इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। सही, अगर मैं वही मैंने आपको बताया ताज़ा उदाहरण, आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर देख सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती को लेकर देख सकते हैं, और आप पीआर की भर्ती को लेकर देख सकते हैं। तो तमाम इस तरह की जो भर्तियां हैं जो कि कोर्ट में लटकी हुई हैं, जो कि आई ही नहीं हुई हैं, बीपीएड, एमपीएड, तो सभी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट का ये रेट उत्तराखंड में इसी वजह से है क्योंकि यहाँ का यूथ सोया हुआ है, वो उत्साह से भरा हुआ नहीं है, जिसका फायदा यहाँ की आने वाली सरकारें बार बार रेगुलर उठाती रहती हैं। मैं यहाँ पर किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे मैंने अपने रेगुलर वीडियोज़ में कहा है कि मुझे किसी पार्टी सत्ता से नहीं मतलब है, मैं यूथ हूँ, मैं यूथ लोगों का साथ दूंगा, अगर जो मेरे यूथ भाई बहनों के साथ होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो ये रही यार जगाने वाली बात, अगर आप भी अभी अगर नहीं जगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कितना उत्तराखंड में हाई हो सकता है ये आप देख सकते। सोचिए यार, इतना सुंदर हमारा एक स्टेट है, मतलब देवभूमि इसे बोलते हैं, यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट के इतने साधन हैं कि अगर सरकार और हम यूथ अगर मिलकर कुछ करें तो अपने उत्तराखंड को हम टॉप पे ले जा सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट को लेकर, तो देश भर में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार कहाँ पे हैं उसकी भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सभी टाइप के रोजगारों बेरोजगारों की एक लिस्ट निकली हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं हम टॉप कर रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट निकली हुई है, सबसे ज़्यादा स्नातक बेरोजगार है तो 21.9% उत्तराखंड में। सोचिए आप क्या हाल है, इसी वजह से देखिए अभी स्नातक स्तरीय भर्ती वीडियो ये सब की आई हुई है, 746 पोस्ट के लिए कम से कम 3 लाख, ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों ने जो है इसमें आवेदन किए हुए हैं। तो सोचिए जब इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की दर होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि इस तरह के एप्लीकेशंस आएंगे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर यानी कि पीजी लेवल के जो अनएम्प्लॉयमेंट बंदे हैं वो 8.3 है रेशियो उसका। उसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट में सोचिए इससे भी ज़्यादा है। इसका मैं ताज़ा उदाहरण दे सकता हूँ आपको, जेई और एई का पिटकुल से, और उसके अलावा जो भी UBNL और UGNL की जितनी भी वैकेंसियाँ सब रोक के रखी हुई हैं गवर्नमेंट ने, उसके अलावा इनके अपने आदमी पीछे से भर दिए जाते हैं। तो सोचिए इसीलिए देखिए आपने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के जितने भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रोग हैं उनका रेशियो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में, बाकी सभी की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ पर मैं स्नातकोत्तर की और उसके अलावा सभी जो और भी एजुकेशन है 10-12 वालों की तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पर जो टॉप जो चिंता करने वाली बात है, जैसे कितना अगर आपने स्नातक किया तो ऑब्वियस सी बात कुछ भी किया और स्नातक में उसके बाद अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया तो सोचिए कितना पैसा लगता है, कितना खर्च लगता है, कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है। उसके बाद जब आपका रेशियो टॉप लेवल पर आता है यानी कि आप सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वाले स्टेट के राजा हैं, तो फिर आपके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती है ये आप समझ सकते हो। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि जागो मेरे यूथ, अगर आज आपने आंदोलन नहीं किया, आपने अगर ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं किया तो भविष्य में आने वाली कोई भी गवर्नमेंट उत्तराखंड में इसी तरह से बेरोजगारों का मजाक बनता रहेगा। बाकी सभी सारी लिस्ट सारी स्टेट की निकाली हुई हैं कहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, कहाँ पर है। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तराखंड में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों का हाल एकदम से बुरा है, तो ये हाल है यहाँ पर। तो इसके अलावा ये लिस्ट अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टा की स्टोरी पर मैंने इसको पोस्ट किया है, तो आप जाइए वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं, तो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कम से कम इसको पढ़ने से अगर आपके अंदर आग नहीं लगी
तो यार फिर ये 22% क्या ये 50% भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल इसको 50% होना ही है अगर यहाँ का यूथ इस तरह से सोया रहेगा। तो यार आशा करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आखिर आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जगी होगी, आप 10 लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं हमें इस सरकार को जगाना है और आने वाली सरकारों को भी ये हमें चेताना है कि हम यूथ हैं, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना आपका काम है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि स्वरोजगार है ये है, भाई साहब ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अपनी जगह, दैट इज़ द गुड वे थिंग, लेकिन यार हर कोई अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है, इसके लिए कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये तो फिर उनका क्या फिर है? तो इसीलिए आप युवा हैं, यूथ हैं, आपके लिए आप देखिए आपके अगर आपने अगर इस वीडियो को देखकर आपने अगर चिंतन नहीं किया, सोचिए आप 20.9% छोड़िए इसको मैं 22 ही मान लेता हूँ, 22% स्नातक रेशियो अनएम्प्लॉयमेंट है उत्तराखंड का और 22% ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उत्तराखंड का। सोचिए यहाँ का युवा देवभूमि कहलाता है, देवों की भूमि, जहाँ पर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहते हैं और उत्तराखंड का इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसी बड़ी पोस्टें नहीं, चाहे इंडियन आर्मी ले लो, एक्सपर्ट है, जहाँ पर उत्तराखंड के लोग नहीं है, तब ये हाल उत्तराखंड का, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, कॉमेंट सेक्शन आपका है, मुझे बताना जरूर, उम्मीद रहेगी मुझे आपके कॉमेंट की बात, कॉमेंट में आपके सवालों का भी अगर कोई सवाल हो तो मुझे आप ज़रूर पास करते हैं कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।